हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं आमिर अंसारी से, जो कि एक अकाउंटेंट का जॉब कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे यूट्यूब ऑडियंस को आप। थैंक यू सो मच। मेरा नाम आमिर अंसारी हुआ और जी मैं गिरिडीह झारखंड का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा बिल्कुल। मैं अपने ग्रेजुएशन 2020 अकाउंट ऑनर्स बीकॉम विनोबा यूनिवर्सिटी से किया हूँ जी जी बिल्कुल। और मैं अभी जॉब कर रहा हूँ सीए फॉर्म अकाउंटेंट के लिए। ओके ओके ओके। सर सर आप ये बताइए कि आपने किस ईयर में कंपनी ज्वाइन किया था एज अकाउंटेंट जॉब? मैंने 2022 में ज्वाइन किया था। अच्छा, 2022 में ज्वाइन किया था, यानी अभी 1 ईयर्स अप्रॉक्स हो रहे हैं आपकी जॉब जी करने सर, के। जी। सबसे पहले आप ये बताइए आमिर जी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात कर लें तो कैसे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है और किस प्रकार कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकता है अकाउंटेंट जॉब के लिए? जो कैंडिडेट है वो सबसे पहले तो उसे अपने नजदीकी जो अपने जो चलाते हैं वो जिसे टैली वगैरह है तो उसे आने चाहिए अकाउंटेंट जॉब के लिए, वो कंपलसरी है। जी जी और बिल्कुल एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए और एमएस वर्ड का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा अकाउंटेंट फील्ड में सबसे ज़्यादा ये महत्व है और ये अच्छा अच्छा मेन है, क्योंकि इसके बिना तो अकाउंटेंट का जॉब इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है शब्द। जी और ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि कैसे आपने बताया, जैसे कि मान लीजिए कि वर्किंग डेज, वर्किंग आवर, वीक ऑफ डेज क्या होता है, प्लस वहाँ पे काम क्या करना होता है। अगर सबसे मेन अगर हम लोग बात करें टॉपिक पे, तो वहाँ पे वर्क क्या होता है, कैसा वर्क प्रेशर होता है, क्या क्या काम करना पड़ता है, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। काम यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, जैसे टैली में आपको सारा एंट्री करना पड़ेगा, जी परचेज के सारा एंट्री करना पड़ेगा, जी बिल्कुल सेल्स का एंट्री करना पड़ेगा, और जनरल में आपको जो भी कंपनी का जो रिक्वायरमेंट रहती है कि जी जो मतलब उसका डेली जो टारगेट रहता है, जो जी क्या क्रेडिटर से आपको पैसा लेना है, क्या डेटर से आपको पैसा लेना है, जी वो जी सारा आपको टैली में सारा कुछ आपको डालना पड़ेगा, वो सब जी सारा आपको उसमें करना पड़ेगा। और उसमें 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 सारा आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसमें सारा कुछ आपको बनाना पड़ेगा, जी इवन आपको जीएसटी बिल जो उसमें बनाना पड़ेगा जी जी वो आपको परचेज और सेल्स के लिए दोनों मेंटेन करना अच्छा पड़ेगा, ये जी कंपलसरी आपको टैली तो आना ही चाहिए। नहीं चाहिए, अदरवाइज कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है। नहीं नहीं अब नहीं हम लोग कर बात कर पाएगा। लेते हैं कि वर्किंग डेज क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है, वीक ऑफ डेज क्या है सर? वर्किंग आवर वो जिसे ऑफिस आवर 10 से 7 o'clock रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी और वर्किंग आवर्स की जैसे मैंने बताया कि 8 आवर्स यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा ना? 8 आवर्स, हाँ मैक्सिमम अच्छा एट आवर्स तो करना अच्छा ही अच्छा पड़ेगा, वीकेंड में 1 दिन संडे ऑफ रहता है, अच्छा और वर्किंग डेज हो गया मंडे टू सैटरडे, राइट? मंडे टू सैटरडे, अच्छा राइट। अच्छा अब हम लोग सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी क्या रहेगा इसमें, फ्रेशर एज एक्सपीरियंस दोनों की सैलरी आप बता दीजिएगा। बेसिक पे आउट जो अभी रहती है तो वो तो आपका 7,000 8,000, ये आपका बेसिक पे आउट रहता है। अच्छा जैसे जैसे अच्छा आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा ये जी आपका 14-15 तक जाते रहेगा, अच्छा अब वो अच्छा आपके अच्छा वर्कलोड पे डिपेंड करता है, आपके फॉर्म पे डिपेंड करता है, अच्छा वो अच्छा आप उस पे जैसा परफॉर्मेंस दोगे उस हिसाब से आपका बेसिक सैलरी पे आउट आपका उसी हिसाब से रहेगा। अच्छा। तो कहने का मतलब जैसे यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्म की बात करें तो फॉर्म किस प्रकार का होता है, वहाँ पे मेनली जो फोकस होता है वो किस काम पे किया जाता है, किस प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है वहाँ पे? जैसे बड़े बड़े जैसे कंपनी रहती है जो इंडस्ट्रियल रहते हैं, जो अच्छा। बिजनेसमैन रहते हैं, तो उन्हें अपने मंथली हो गया क्वार्टरली हो गया जीएसटी फाइल करनी पड़ती है, अच्छा, तो जीएसटी आप फाइल। जी जी जीएसटी बिल्कुल जीएसटी के, हाँ जी, वो तो आपको उस आप जब ज्वाइन करोगे तभी आप सीख पाओगे, वहाँ पे जाओगे आपको अच्छा वहाँ पे सिखाओगे, तो वो आपके वहाँ के जो फर्म के जो सीए रहते हैं, जी जो जी वहाँ के जो सीनियर अकाउंटेंट रहते हैं, जी वो आपको धीरे धीरे आपको सारा कुछ सिखा देंगे। ये कैसे काम किया जाता है इसमें? अच्छा, जी। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी चल रही है, जैसे कोई प्लांट चल रहा है, तो वहाँ पे एक सीए के अंडर में अकाउंटेंट जॉब करता है या फिर अकाउंटेंट रहता है, जो कि कैश का लेना देना हो गया, फिर साला कंपनी का बैलेंस शीट जो तैयार करना जीएसटी के साथ, वो सब से डाटा तैयार करना पड़ता है, जो कि अकाउंटेंट का ही काम होता है, या फिर किसी को जी पेमेंट करना हो गया लाइक जी कंपनीज के अंदर वगैरह वगैरह। जी 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 हाँ तो जैसे कहने का मतलब यह है कि आप आमिर जी इसमें क्या सोचते हैं कि यहाँ पे करियर का बिल्ड हो सकता है, या फिर जस्ट एक तरह से आप पॉकेट खर्च बोल सकते हैं, या फिर जस्ट एक तरह से कि आप एक मतलब कुछ लर्निंग किया, कुछ सीखने की वजह से मान लीजिए इसके आप जुड़े हैं, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अकाउंटेंट फील्ड ही बहुत अच्छा फील्ड है, जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल
आज के टाइम में ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है जो जीएसटी फाइलिंग नहीं करती है कंपनी। हर एक जी छोटे से लेकर दुकानदार से लेकर बड़े से इंडस्ट्रियल भी अपने जीएसटी को अपने जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, और वो अच्छा आईटीआर भी कंपलसरी है, और एक्चुअली हर एक फॉर्म के में एक अकाउंटेंट होना ही कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ बिना अकाउंटेंट के आप कुछ भी मेंटेन नहीं कर पाओगे। इवन आपको अगर एक छोटे से दुकान में भी अगर आप काम कर रहे हो तो आपको वहाँ पे एक आदमी बंदा रखना पड़ेगा अकाउंटेंट जॉब के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी जो कि आपके क्रेडिटर्स है, आपके डेटर्स है, जी जी आपके डेली क्या एक्सपेंसेस है, आपके जी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कंपनी के क्या इक्विपमेंट्स है, सारा जी कुछ आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि जी हर टाइम जो ऑनर्स रहते हैं वो अवेलेबल नहीं रहते। वो अपने कंपनी के जो प्रोस्पेक्टस रहते हैं, बैलेंस शीट रहते हैं, तो वो जी लोग उसी को प्रिफेयर ज़्यादा देते हैं कि मेरा बैलेंस शीट में मेरे क्या डेटस है, किसको मेरे को क्या पे आउट करना है, जी किससे जी मेरे को क्या लेना है, वो सारा अपने बैलेंस शीट पे चेक करते हैं, और मेरे क्या एसेट्स है करंटली वो आपके उसमें देखते हैं। अच्छा। और जैसे अमित जी ये बताइए कि जैसे मान लीजिए अगर हम लोग सैलरी इंक्रीमेंट की बात कर लें या फिर प्रमोशन की बात कर लें, तो कितने साल बाद या कितने महीने बाद यहाँ पे प्रमोशन मिल सकता है एज अ फ्रेशर की अगर बात करें तो? फ्रेशर तो सर मैक्सिमम तो 1 ईयर के बाद ही आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा, जी क्योंकि तुरंत तुरंत तो आप कोई भी फॉर्म में जाइएगा तो मैक्सिमम तो 1 ईयर का तो टाइम लगता है, कि और वो फॉर्म पे डिपेंड करती है। अगर आपका ग्रोथ ज़्यादा अच्छा है, आपने जल्दी कैच कर लिया सारे चीज़ों को, तो जी अगर आपको एज ए सीनियर भी बना सकते हैं तो उसमें आपका पे आउट भी बढ़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है क्या, एक अच्छा जॉब अकाउंटेंट जॉब काफी अच्छे जॉब है जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं, वर्क प्रेशर भी कोई जी खास नहीं है, सैलरी भी लगभग जी लगभग ठीक ठाक ही है, वर्किंग जी डेज भी ठीक है, वर्किंग आवर्स भी ठीक है, और वीक ऑफ डेज भी सही है जो आपको मिल जाता है, तो जी किसी सर तरह का जी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई जैसे न्यू कैंडिडेट है या फिर न्यू ऑडियंस है हमारे, ठीक है, 12th पास आउट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और वो अकाउंटेंट जॉब करना चाहता है कहीं भी, पैन इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोलकाता दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या जी करेगा, आपको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो अप्लाई करे, किससे कॉन्टेक्ट करेगा जो अकाउंटेंट जॉब वो कर सकता है? सबसे पहले तो वो अपने मतलब कि एक प्रोफाइल बनाए, वो जी अपने एक रिज्यूमे तैयार करे जी कि बिल्कुल उसके क्या और स्किल्स है। अपने स्किल्स है, और उसे किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, अच्छा उस अच्छा फील्ड के उस अकॉर्डिंग अपने अपने रिज्यूमे को तैयार करे अच्छे जी तरीके से, उसमें हर एक डिटेल डाले, ट्रूथ एंड जी फेयर सारा कुछ डाले। जी जी उसके बाद अपने नज़दीकी जो भी है अकाउंटेंट फर्म है वहाँ पे आप जाए, आप जी वहाँ पे जी जा करके उनसे कंसल्ट करें कि रिक्वायरमेंट खाली है या नहीं है, उस बेसिस पे आप जा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जी जिसमें आप जा करके मतलब ऑनलाइन ही अपना मतलब कि प्रोफाइल को सीवी को सेंड कर सकते हैं, जी उनसे जी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उनका कांटेक्ट नंबर मिल गया तो उनके थ्रू भी आप उनसे बात करके उनसे आप कॉन्टैक्ट करा सकते हैं। अच्छा। तो ये सब चीज करके कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद मैं बात को अपना खत्म करना चाहूंगा। ये जी बताइए आमिर अंसारी जी, जैसे मान लीजिए कि आप ऑलरेडी जैसे बताया कि आपने कितने मंथ जॉब किया है एज अकाउंटेंट जॉब, ये 1 ईयर्स अप्रोक्स हो चुका है मेरा। 1 ईयर अप्रॉक्स हो चुका है, तो जी 1 ईयर अप्रॉक्स हो चुका है, तो जैसे मान लीजिए कि जैसे जिस कंपनी में अभी आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पे वैकेंसी अवेलेबल होती है या फिर अभी हायरिंग क्लोज है, और अगर वैकेंसी नहीं भी है तो वो कब तक आने की संभावना है, ये बताइए हम आपको। अभी तो वैकेंसी तो अभी खाली नहीं है, अच्छा तो अच्छा एक वैकेंसी अभी अभी तो जैसे बंदा कुछ बंदा अगर रिजाइन करते हैं या और जी कोई जी कंपनी में ट्राई करते हैं तो खाली होता है, तो उस हिसाब से फिर कंपनी उसको हायर करती है, फॉर्म जो है अच्छा अच्छा तो उसे हायर तो करती है। इसमें अभी कुछ फिलहाल जैसे, हाँ बोलिए बोलिए। अभी तो फिलहाल अभी हायरिंग क्लोज है, अच्छा अभी हायरिंग वैसा क्लोज कोई है, है। कहने का मतलब है जी कि अभी फिलहाल हायरिंग क्लोज है, इन फ्यूचर कोई वैकेंसीज आएगी तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, ये कहना चाह जी रहे हैं आप? जरूर जी जी जरूर। जरूर जी और जैसे मैंने आप बताया, आपने जैसे बताया कि मान लीजिए कि जैसे कोई जैसे कैंडिडेट है, ठीक है, तो वो अगर कोलकाता से बिलोंग्स करता है, ठीक है, तो ये कैसे वो जैसे अप्लाई करेगा, कि जैसे किसी फॉर्म से कैसे कांटेक्ट करेगा, जैसे आपने बताया कि आपने कैसे कांटेक्ट किया था किसी फॉर्म में कि भाई मैं अकाउंटेंट हूँ, मैंने टेली किया है, मैं अकाउंटेंट का जॉब करना चाहता हूँ, तो ये आप कैसे किए थे आपने?
वहाँ पे जो नज़दीकी जो कंसल्टेशन कंपनी है उससे मैंने कांटेक्ट किया अच्छा था, अच्छा और अच्छा भी जैसे वहाँ पे लोकल जो है उनसे मैंने थोड़ा सा हेल्प लिया था कि यहाँ पे सीए का फॉर्म कौन सा है अकाउंटेंट्स के जॉब के लिए रिगार्डिंग, जी कहाँ बेस्ट रहेगा। जी वहाँ के जी लोकल आपको तो उनसे फॉर्म पता ही होगा, तो आपने जिससे जो अच्छी कंपनी का है वो तो जीएसटी फाइल अपनी करवाती ही होंगे, जी आप जी उनसे बिल्कुल भी एक छोटा सा क्लू ले सकते हैं कि आपने अपनी जीएसटी फाइल कहाँ पे करवाते हो, अच्छा आईटीआर फाइल कहाँ पे करवाते हो, तो जी उनके थ्रू भी आपको एक लिंक मिल सकता है। उनके थ्रू आप जा करके वहाँ पे मीट कर सकते हो, उनसे जाके मिल सकते हो कि आप वहाँ पे वैकेंसी खाली है या नहीं है। अगर अच्छा नहीं है तो वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ पे इस समय अवेलेबल होगा, अगर मे भी अच्छा आपको अगर वो हेल्प कर दे तो। अच्छा अच्छा बिल्कुल ठीक है अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय हमारे YouTube ऑडियंस को दिया। आपने ये बताया कि किस प्रकार वो अकाउंटेंट का जॉब कर सकते हैं, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होती है, किस तरह वो प्रमोशन ले सकता है और किस तरह वो जॉब फाइंड कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमारे YouTube ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू मोस्ट सर, वेलकम, थैंक यू मोस्ट सो मच, थैंक यू सर। वेलकम।